उधर का पूरा जो है वो इनविजिबल हो गया है, नहीं तो उधर की सारी बिल्डिंग्स दिखती है मुझे। हे गाइस, वेलकम बैक टू श्रद्धाज व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ एक महाराष्ट्रियन एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, वो है महाराष्ट्रियन कढ़ी। तो आज मैं आपको बताऊँगी महाराष्ट्रियन कढ़ी कैसे बनाते हैं। बहुत ही सिंपल है, मोस्टली आप सबको पता भी होगा कढ़ी कैसे बनाते हैं, बट फिर भी मैं अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अभी चलते हैं किचन में। फ्रेंड्स, कढ़ी बनाने के लिए हमें चाहिए जिंजर, ग्रीन चिली, ये मैंने एक गार्लिक लिया है, लहसुन, कड़ी पत्ता, और हमें चाहिए हींग और मेथी दाना। उसके बाद इसमें से हमें चाहिए हल्दी, जीरा और मस्टर्ड डाल सकते हो, ये ऑप्शनल है, मैं मस्टर्ड ऐड नहीं करती। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, और तड़का लगाने के लिए हमें चाहिए घी। उसके बाद हम सबसे पहले जो है एक बर्तन में दही और बेसन का घोल बना लेंगे। तो मैं यहाँ पे एक चम्मच दही ले रही हूँ और थोड़ा दो चम्मच दही। उसके बाद इसमें मैं बेसन ऐड करूँगी एक चम्मच, और साथ में इसके अंदर ही मैं सॉल्ट ऐड कर दूँगी, टर्मरिक। तो इसका हम घोल बना लेंगे, पानी ऐड करेंगे इसमें, और इसे अभी हम अच्छे से फेंट लेंगे। देख सकते हैं आपको इसको अच्छे से फेंटना है, इसमें कोई भी बेसन के लम्स नहीं होने चाहिए या गड़े नहीं होने चाहिए। अभी ये अच्छे से फेंट गया है, इसे हम साइड में रख देंगे, अभी हम तड़का बनाते हैं। अभी मैंने गैस ऑन कर लिया है और इस बर्तन में मैं ये कढ़ी बनाने वाली हूँ। और अभी थोड़ा सा मैं आपको सारी चीज़ें एक बार और दिखा देती हूँ क्विकली। करी पत्ता, ग्रीन चिली, जिंजर और थोड़ा सा एक गार्लिक लिया है मैंने, और तड़का जो है मैं घी में लगाने वाली हूँ। एक्चुअली लगाते टाइम मैं कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि मैं अभी अपनी चिमनी ऑन करूँगी तो काफ़ी आवाज़ करती है वो, तो मैं आपको क्विकली दिखाती हूँ कैसे तड़का लगाना है। तो अभी ये हॉट, ये गरम हो गया है, अभी इसमें हम डालेंगे 1 स्पून घी। आप घी में कढ़ी का तड़का लगा के देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है कढ़ी। अभी ये घी गरम हो गया है, अभी इसमें मैं डालूँगी जीरा। हींग लास्ट में डालेंगे क्योंकि हींग जो है बहुत जल्दी जल जाता है। अगर उसको आपको उसका फ्लेवर अच्छे से रखना है तो आप उसे लास्ट में डालिए। घोल बनाया था कढ़ी के लिए बेसन और दही का, वो उसमें हम डाल देंगे। अभी इस टाइम पे हम इसकी आंच बढ़ा देंगे ताकि तड़का जो है अच्छे से बैठे। बॉईल होने दूंगी, थोड़ा सा इसमें मैं धनिया पाउडर भी ऐड कर रही हूँ, गुड़ ऐड करूंगी मैं, जो है गुड़ या जागरी आप जिसे बोलते हो ये ऐड करेंगे।
बेस अच्छे से मिक्स करेंगे। कड़ी जो है काफ़ी अच्छे से बॉईल हो रही है और आप इसको बीच बीच में चलाते रहिए, बिकॉज अगर आप चलाओगे नहीं तो ये बर्तन से बाहर निकल आती है। तो बीच बीच में आप इसको चलाते रहिए और एक बॉईल आने के बाद इसे फिर मैं बंद कर लूँगी। और कड़ी के साथ मैं कुछ पकौड़े बनाने वाली हूँ और भी सारी जो भी दालें हैं वो मिक्स करके मैंने इसकी एक पेस्ट बना ली है और इसमें सारे मसाले डाले हैं। अभी मैं थोड़ा सा कोरिएंडर डालूँगी इसमें। मेरा अभी डिनर रेडी हो गया है। मैंने आज बनाया है स्टीम राइस और उसके साथ ये पकोड़े बनाए हैं मैंने और कड़ी। तो आज का मेरा ये डिनर रेडी है और ये बहुत ही यम्मी लगता है और ख़ासकर जब रेनी सीज़न स्टार्ट होता है तब ये आपको खाना बहुत ही अच्छा लगेगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आज की कड़ी की रेसिपी आपको अच्छी लगी है। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए, मेरे ऐसे और ब्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए। टिल देन बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।